देखिए यार, मैं अगर इंग्लिश को बेसिक से लेके चल रहा हूँ तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप शुरुआत से चीज़ों को सीखते आइए और समझते आइए। मैं अभी कल की वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कवर कर चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दें कि ये किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से इनकी पहचान होती है और आप इस सेंटेंसेस को सॉल्व किस तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्यूचर की। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य और परफेक्ट मीन्स होता है मुख्य क्रिया में पूरा होने का अर्थ। परफेक्ट मीन्स वैसे तो पूरा होना होता है, लेकिन इस सेंटेंस में अगर अर्थ निकाला जाए तो मुख्य क्रिया में जहाँ पे पूरा होने का अर्थ आपको मिले वहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि वहाँ पे परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो टेंस मीन्स होता है काल, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद जैसे इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर हमारे पास ये है विल या शैल, ठीक है ना। आपको विल या शैल लगाना होगा प्लस नॉट हैव गॉन, ये तीनों साथ में ही रहेंगे। अगर वाक्य में नॉट आता है तो आपको हैव के पहले ही लगाना है। और जो यहाँ पे गॉन टाइप की क्रिया है, गॉन का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ में आपको हैव जो क्रिया लगा देनी है। तो विल शैल प्लस नॉट हैव गॉन टाइप की यहाँ पे क्रिया लगानी होती है आपको। उसका मतलब यहाँ पे वाक्य जो पहचान होती है जा चुका होगा या गया होगा, इस टाइप से वहाँ पे वाक्य होते हैं। और इस टाइप से अगर वाक्य हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो वहाँ पे आपको सीधे विल या शैल, आपको मैंने ये बता दिया है कि शैल आपको आई और वी के साथ लगाना है और सबके साथ आपको विल का यूज करना है। तो आई और वी जहाँ पे है वहाँ पे आपको शैल का यूज कर देना होगा, और जहाँ पे केवल आई और वी ना आए, उसके सिवाय कुछ भी आए, तो वहाँ पर आपको विल का यूज करना होगा। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर क्लियर करूँगा नीचे। आप जैसे कि जोड़ा वाली जो क्रिया होती है, जोड़ा का मतलब होता है एक सेंटेंस में कोई भी वाक्य, जैसे कि किसी वाक्य को जोड़ने का काम, जैसे बिफोर हो गए, आफ्टर हो गए, वो करते हैं। और जैसे कि हो गया वाक्य में, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर वाक्य है तो जो उसमें पहले है ये वाक्य में, वाक्य के मध्य में आया हुआ है, मिडिल में आया हुआ है, यानी कि बीच में आके वाक्य को जोड़ दिया है। यानी कि इसमें दो वाक्य हैं, मेरे खाना खा, मेरे जाने के पहले, जैसे मेरे जाने के पहले उसने खाना खा लिया होगा, तो मेरे जाने के पहले एक खाना खा लिया होगा उसने, ठीक है। तो इसमें दो वाक्य हैं, जो पहले है वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वाक्य को जोड़ने का जहाँ पे काम हो वहाँ पे आपको, मैंने आपको बताया था पास्ट में जो बताया था रूल, उसमें आपको ये कहा था कि सेकंड टाइप की क्रिया लगती है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जोड़ा में लगता है। अगर एक साइड में हेड हो गया तो दूसरे साइड में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। जैसे वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल ये बताया था, थोड़ा सा आप इस चीज़ को सुनिए तभी जो है समझ पाएंगे। मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल जैसे बता रहा था कि मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया था, ठीक है। तो ही हैड ईटन फूड बिफोर आई केम, ठीक है, ऐसे होता था। तो जैसे वहाँ पे केम होता था, यानी कि बिफोर आई केम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाक्य क्या होगा, मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया होगा, इस टाइप से, है ना। तो ही हैड, ही विल हैव, ठीक है, ही विल हैव ईटन फूड बिफोर आई कम, ठीक है। यहाँ पे आई कम केवल होगा क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब ये होता है गो या गोज टाइप की, मैंने आपको यहाँ पे जो क्रिया बताई है। गो का मतलब ये होता है कि ये दोनों फर्स्ट फॉर्म ही है, आपको यस का इसमें यूज कर देना है। जैसे आपको वाक्य में लगे कि प्लूरल वाक्य है तो वहाँ पे आपको केवल गो टाइप की क्रिया लिखनी है। जैसे कि आई जो है बहुवचन है, ठीक है, प्लूरल है, आई प्लूरल है, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, प्लूरल के साथ में आपको केवल गो टाइप की क्रिया लगानी, यानी कि उसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। अगर आपको सिंगुलर वाक्य मिलता है तो वहाँ पे आपको यस या यस वहाँ पे ऐड कर देना होगा। चलिए, इस टाइप से जो है चीज़ें होती हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊँगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी आपकी। आपको ये मैंने सारे रूल्स बता दिए। चले चलता हूँ एग्जाम्पल पर। तुमने उसे क्या दिया होगा, जैसे यहाँ पर क्या के लिए आपको क्या लगाना होगा, वाट, ठीक है ना। तुमने उसे क्या दिया होगा, तो विल, वाट विल यू हैव गिवन हिम, इस टाइप्स हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि हैव और उसके साथ में थर्ड फॉर्म, जैसे गिव का होता है थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन हो जाएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो विल हैव गिवन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो यू है आपको मैंने बताया कि आई और वी के साथ केवल से लगेगा। जैसे यहाँ पे यू आया है तो यहाँ पे विल हो गया है, वाट विल यू हैव गिवन हिम यहाँ पे हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दूसरा है उन्हें आज किसने देखा होगा, ठीक है। हो मीन्स कौन या किसने होता है, मैंने आपको ये बताया। तो हु विल हैव, ठीक है, हु विल हैव सीन देम टूडे, इस टाइप से हो जाएगा। देम मीन्स होता है उन्हें या उनको, तो टूडे मीन्स होता है आज, ठीक है ना। इस टाइप से जो वाक्य होते हैं, मैं सारा कुछ यहाँ पे समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। मैं यही आपसे बार बार कहता हूँ कि आप शुरुआत से वीडियोस को देखते हैं तभी जो है सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मान लीजिए ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो मैं आगे चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समझाऊँगा तो आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप शुरुआत से वीडियोज़ को देखिए और अच्छे तरीके से समझते आइए और चीज़ों को सीखते आइए। चलिए तीसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, वे खाना खा चुके होंगे, तो वे खा चुके होंगे खाना, ठीक है ना। तो दे विल हैव ईटन फूड, यहाँ पे विल आपको दे के साथ लगा देना है। मैंने आपको ये बताया है कि आई और वी के साथ आपको सैल लगाना है, जैसे दे है तो यहाँ पे विल हो गया। तो दे विल हैव, मैंने आपको क्या बताया है कि विल या सैल है प्लस विल या सैल प्लस नॉट हैव गॉन टाइप की क्रिया अगर नॉट होता यह वाक्य में, ठीक है। जैसे वे खाना नहीं खा चुके होंगे तो दे विल नॉट हैव, ठीक है, यहाँ पे नॉट हो जाता है विल के बाद, तो दे विल नॉट हैव ईटन फूड ऐसे हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए चौथे एग्जाम्पल के मैं चलता हूँ ऊपर, मेरे आने से पहले उसने क्या खाया होगा। तो पहले आपको मैंने ये बताया कि जो इस साइड वाला वाक्य होता है यहाँ आता है और इस साइड वाला वाक्य बिफोर के बाद में चला जाता है, ठीक है। ये पूरा वाक्य यहाँ पे है, फिर बिफोर लगा है, फिर आई कम हुआ है। तो मेरे आने से पहले उसने क्या खाया होगा, तो वाट विल ही हैव ईटन, ठीक है, वाट विल ही हैव ईटन हो जाएगा। उसके बाद तब पहले के लिए आपको लिखना है बिफोर, उसके बाद मेरे आने के लिए आपको आई कम यहाँ पे कर देना है। मैंने आपको क्या बताया कि जोड़े वाली क्रिया में अगर एक साइड में यहाँ पे हैव है तो दूसरे साइड में यहाँ पे फर्स्ट यानी कि यस या यस टाइप क्रिया लगेगी। आपको यस कहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, गो या गोश टाइप की क्रिया लगती है। आपको बहुवचन दिखे तो वहाँ पे आपको गो टाइप की क्रिया लगानी है, एक वचन तो वहाँ पे गोच, ऐसे यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे आई जो है ये बहुवचन मानी जाती है, यानी कि प्लूरल माना जाता है आई को, तो यहाँ पे उसके लिए केवल कम हुआ। जैसे यहाँ पे अगर ही होता तो यहाँ पे कम्स हो जाता, ठीक है ना, यानी कि सिंगुलर होता तो यहाँ पे यस या यस जुड़ जाता। चलिए यह काम किसने किया होगा, हु मीन्स होता है कौन या किसने, तो हु विल हैव डन दिस वर्क, ये बहुत ही सिंपल है। तो उसके बाद छठा एग्जाम्पल हमारे पास है, उसके घर पहुँचने से पहले तुमने क्या खाया होगा। उसके घर पहुँचने से पहले तुमने क्या खाया होगा, पहले आप वाक्य में ये समझिए तुमने क्या खाया होगा, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो पहले होता है वाक्य में वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जोड़ा वाक्य में किस टाइप से होता है, मैंने आपको ये बताया कि एक साइड में अगर आप पूरा जो उसका जो क्रिया है ये पूरी लिख चुके हैं, विल हैव प्लस ये जो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में हैव ईटन ये सब लगा चुके हैं, उसका बिफोर के बाद मैंने आपको क्या बताया यस या यस टाइप की क्रिया लगानी है। आपको एक वचन दिखे तो यस या यस जैसे आपको वहाँ पे मिले। वाक्य में अगर ओ एक्स आता है तो लास्ट में यस होता है, जैसे रीच में REACH होता है रीच का, तो REACHES हो जाएगा इसमें। जिस वाक्य के लास्ट में OXHS आता है उसमें ES लगाया जाता है, और जिस वाक्य में लास्ट में OXHS नहीं आता उसमें केवल S लगाया जाता है अगर वाक्य सिंगुलर हो तो। जैसे ही सिंगुलर है तो यहाँ पे रीच हुआ, और एक यहाँ पे नियम और लागू हुआ कि यहाँ पे लास्ट में एच है इसलिए यहाँ पे ES लग गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे I होता तो केवल रीच होता, यहाँ पे अगर कोई और चीज़ होता जैसे ही कम होता तो ही कम्स हो जाता यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। यहाँ पे आई होता तो आई के साथ केवल रीच होता, यानी कि सिंगुलर के साथ ही एस या एस लगेगा, और सबके साथ जो उसकी जो मीनिंग होती है वही सेम आप लिख देंगे। जैसे पहुँचने की मीनिंग रीच होती है तो ही के साथ आपको रीच लिख देना होगा, बस हो गया, उसका अर्थ आ जाएगा वहाँ पर। तो वाट विल यू हैव ईटन बिफोर ही रीचेज होम, ही के साथ रीचेज हो गया, ठीक है। चलिए हमारे पास सातवां है और लास्ट एग्जाम्पल है। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दीजिए। मैं छोटे से वीडियो में आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर किया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेके। उसके बाद मैं बात करूँगा कल के वीडियो में, कुछ एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेज आप देखिएगा तभी जो है सारी चीज़ें आपकी उसमें और क्लियर हो जाएंगी, अच्छे तरीके से हो जाएंगी। उसके बाद हम चलिए लास्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मेरे सोने से पहले वह कहाँ गया होगा, मेरे सोने से पहले वह कहाँ गया होगा, तो पहले आपको ये देखना है कि वह कहाँ गया होगा ये वाक्य में है। तो वेयर विल ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर आई स्लीप, ठीक है ना। यहाँ पे स्लिप्ट नहीं होगा आई के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आप पास्ट परफेक्ट में लगाते थे यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे जोड़े वाली टाइप की क्रिया में। यहाँ पे जो जोड़े वाली टाइप की क्रिया होगी यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और यस या यस की ज़रूरत पड़े तो उसको भी आपको लगा देना है अगर सिंगुलर हो तो। आई तो बहुवचन है इसलिए यहाँ पे केवल स्लीप हो गया है। तो वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर आई स्लीप, इस टाइप से ये वाक्य सोल्यूशन इसका हो गया, यहाँ पर ट्रांसलेशन इसका मैंने कर दिया। तो इस टाइप से सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कल, फिर नए टॉपिक के साथ में। वैसे रेगुलर वीडियो अब आ रही है, आप रेगुलरली यहाँ पे देखते रहिए वीडियो को और ग्रामर को अच्छे तरीके से सीखते रहिए। जो भी आपका डाउट बचा हो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपकी कोई परेशानी होगी तो हम उस पर जरूर वीडियो फिर से बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।